असलम फेलोज नेम इज़ सना खान एंड टूडेज वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ रिस्क आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क क्या होता है रिस्क को मैनेज किस तरह से किया जाता है इट्स मीन व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट की कौन सी टाइप्स हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिस्क वाट इज़ रिस्क अ प्रॉब्लम दैट हैज़ अ ग्रेटर देन जीरो परसेंट बट लेस देन हंड्रेड परसेंट प्रोबिलिटी ऑफ कॉल्ड रिस्क कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अक्कर होने का जो चांस है जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो परसेंट से ज़्यादा हो लेकिन हंड्रेड परसेंट से कम हो तो एक ऐसी प्रॉब्लम को हम रिस्क बोलते हैं मतलब किसी भी किस्म का कोई खतरा हो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जो कि अक्कर होनी हो उस उसकी अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है यानी जो चांस है अक्र होने का किसी भी प्रॉब्लम का अगर वो ज़ीरो परसेंट से ज़्यादा है और सौ परसेंट से कम है तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रिस्क बोलते हैं इट्स मीन रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी होती है या रिस्क रिस्क के अक्र होने का जो चांस होता है वो हमेशा ज़ीरो परसेंट से ज़्यादा होता है और हंड्रेड परसेंट से हमेशा कम होता है इफ़ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क हैज़ हा हंड्रेड परसेंट ऑफ अकरिंग इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम अगर किसी भी किस्म का रिस्क है उसके अक्कर होने का अगर जो चांस है या जो प्रोबेबिलिटी है वो हंड्रेड परसेंट हो गई है इसका मतलब है कि वो रिस्क नहीं है फिर वो प्रॉब्लम बन गई है मतलब किसी भी प्रॉब्लम के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांस है अगर वो जीरो परसेंट से ज़्यादा है और सौ परसेंट से कम है तो फिर वो रिस्क है लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई रिस्क है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है या चांस ऑफ अकरेंस है वो अगर हंड्रेड परसेंट हो गया है तो फिर वो जो रिस्क है वो हमारे पास प्रॉब्लम कॉल करेगा वो हमारे पास उसे हम प्रॉब्लम कहेंगे उसे हम रिस्क नहीं कहेंगे क्योंकि रिस्क वो होता है जिसका कोई चांस हो अक्कर होने का जो कि जीरो परसेंट से ज्यादा हो हंड्रेड परसेंट से कम हो लेकिन प्रॉब्लम वो होती है जो कि अक्कर हो जाती है जिसका मतलब चांस होता है वो हंड्रेड परसेंट होता है कि वो अक्कर हो जाएगी या अक्कर हो गई है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क की कौन सी एग्जाम्पल है यूजिंग एन अन न्यू टेक्नोलॉजी इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हम किसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें कि हमने पहले उस टेक्नोलॉजी को पहले कभी कहीं इस्तेमाल नहीं किया हम आ, को, क, कि, किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टैब्लिश कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसको हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया और हमें नहीं पता कि वो रिलायेबल भी है या नहीं है वो कैसी है उसके क्या उसके बारे में क्या फीडबैक है या किस तरह की वो टेक्नोलॉजी है हमने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और वो टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है मतलब कोई भी अनरिलायबल टेक्नोलॉजी का जब हम पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक रिस्क होता है पता नहीं ये सही से काम करेगी या नहीं करेगी इसका मतलब है इसका चांस ऑफ एकरेंस जीरो परसेंट से ज़्यादा होगा और हंड्रेड परसेंट से कम होगा अगर हमें हंड्रेड परसेंट पता हो कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी यानी जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल अनरिलायबल है तो इसका मतलब यह है कि यह प्रॉब्लम है ये रिस्क नहीं है लेकिन रिस्क क्या होता है रिस्क वो होती है कि जिसका चांस ऑफ अक्रेंस हंड्रेड परसेंट से कम होता है इसका मतलब है अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं

द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द हार्म ड्यू टू रिस्क जब भी कोई रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का जब कोई रिस्क होता है उस रिस्क होने की वजह से जो भी खतरे होते हैं जो भी डेंजर होते हैं हमारे प्रोजेक्ट को या हमारे सॉफ्टवेयर को जो भी हार्मस होते हैं हमारे प्रोजेक्ट को उसको कम से कम कर देना रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है मतलब क्या है रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोजेक्ट में किसी किस्म का रिस्क आ गया है तो उस रिस्क को कम से कम किस तरह से

एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इट आइडेंटिफाइज एंड क्लासीफाइज द बिजनेस रिस्क जो बिजनेस में रिस्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है मतलब उनकी शिनाख्त करता है उसको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है इन सब चीज़ों को इनको किस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इन सब को भी मैनेज करता है रिस्क मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन स्टेप इज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू रिस्क को समझना भी आसान है रिस्क को कंट्रोल करना मतलब रिस्क को मैनेज करना भी आसान है मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर फंक्शनल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ज़्यादा फंक्शनल यानी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और जिस तरह से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम करेंगे दिल लगा कर हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे इसका मतलब है जो प्रोडक्ट की जो रेशो है जो वो डिवेलप कर रहे हैं उस वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके साथ साथ जो क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं वो भी ज्यादा सेटिसफाई होंगे वो भी अट्रैक्ट होंगे और इस तरह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रो करेगी एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज इम्प्रूव चांसिस ऑफ रीचिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव विद इन अ बजट एंड ऑन टाइम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो प्रोजेक्ट किस तरह का बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने का बेसिकली मकसद क्या था वो हमारा कोई गोल है जिसको हमने अचीव करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमारी यूजर की या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको हमने फुलफिल करना है जिनको हमने पूरा करना है उसमें पूरा उतरने के लिए हम बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसका रिस्क मैनेजमेंट का एक ये फायदा फ़ायदा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरे टाइम पे खत्म हो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक हफ्ते में मैनेज करना है वो प्रोजेक्ट तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैनेज हो जाए ऐसा ना हो कि वो एक हफ्ते से टाइम डिले होता जाए डिले होता जाए हमारे प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज डिले होती जाए जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक हफ्ते में यानी एक या अगर एक महीने का टाइम है तो एक महीने में कंप्लीट नहीं होगा वो ज्यादा टाइम ले लेगा इसका मतलब है रिस्क मैनेज नहीं हुआ रिस्क मैनेजमेंट का एक बेनिफिट ये है कि हमारा प्रोजेक्ट जितने अरसे में उसको कंप्लीट होने चाहिए था हमने गोल सेट किया हुआ था उतनी उस उतने अरसे में ही वो कंप्लीट हो जाएगा दूसरी बात हमने जो सेट किया था बजट के इतने बजट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो उतने ही बजट में कंप्लीट होगा इसका मतलब है उससे ज्यादा एक्सपेंसिज की जरूरत नहीं होगी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसलिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरे पूरे टाइम पर खत्म हो उसके साथ साथ जितना बजट हमने सेट किया हुआ है इसके लिए किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उतना ही बजट उस पर लगे ऐसा ना हो कि बजट के जो एक्सपेंसिज है वो बढ़ते ही जाए और हमारी हमें अपनी जेब से उस चीज को भरना पड़े एंड द नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जिस स्टूडेंट्स टाइप्स क्या होती है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की द फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट द सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट द थर्ड वन इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट द फोर्थ वन इज क्वानिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट अदर इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट आईटी रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट एंड द अदर इज टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट बैंक रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट टास्क रिस्क मैनेजमेंट इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो टाइप्स हैं ये होती क्या हैं लेकिन स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि बेसिकली रिस्क क्या होता है प्रॉब्लम में और रिस्क में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया यानी कोई भी अगर रिस्क है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसके अक्र होने का चांस जीरो परसेंट से ज़्यादा हो और हंड्रेड परसेंट से कम हो उसको हम रिस्क बोलते हैं लेकिन अगर को, आ, कोई कोई रिस्क है जिसका चांस अक्कर होने का चांस हंड्रेड परसेंट हो गया है इसका मतलब है वो प्रॉब्लम है इसका मतलब आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया रिस्क क्या होता है रिस्क और प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है उसके साथ साथ हमने रिस्क की एग्जाम्पल देखी है वो ये है कि अगर कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि हमने इसको पहले इस्तेमाल नहीं की इसका मतलब है वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिस्क क्रिएट कर सकती है उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया कि वॉट इज़ रिस्क मैनेजमेंट इसके कुछ एडवांटेजेस देखे जिस तरह के ये बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करती है उसको क्लासीफाई करती है इसको समझना आसान है रिस्क इसकी वजह से जो हार्मस होते हैं उनको कम से कम रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प हेल्पफुल है उसके साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट अपने बजट पे और अपने टाइम पे मुकम्मल होता है डिस्क मैनेज करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ही ज़्यादा फंक्शनल बनाती है एम्प्लॉइज़ के साथ साथ क्लाइंट्स के लिए भी तो ये हमने आज डिस्कस किया था इसकी डिफरेंट टाइप्स थी जो कि हमने पढ़ी हैं आज के लेक्चर में सो so स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर करें और अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी टॉपिक की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं